ये शब्द बोल गए थे कड़ुए, उसी समय जब दुर्योधन के कान में आवाज आई है कि मेरे मेहतारी बाप की जी हालत वही है, बंध बैर को सके निहारी आया। कितना अभिमानी था, कहां है दुष्टर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहां में लड़ाई के लिए तैयार खड़ा हूं। देखिए धर्म दुष्टर अवतार कैसे है, लड़ाई जीत ली, पांडव जीत गए थे, दुर्योधन हार गया था और अकेला खड़ा सामने, विजय बिल्कुल खाते में चली गई और फिर भी दुष्टर महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, दुर्योधन से कही कहा है क्या पांच गाम हम कूदे सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा, लड़ना चाहता हूं। युधिष्ठिर महाराज बोले क्या तुम लड़ना चाहते हो, हमें पांच और तुम अकेले, तो लड़ाई तो नीति की तो ना है। देखिए ऐसी लड़ाई थी कि हम पांच हैं और तुम अकेले हो, ऐसे ऐसो करो द्वे भैया हम में, तो तुम अपैमा कर लो, तीन तुम आ जाइयो, तीन ही हम हो जाएंगे। दुर्योधन ने कही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दुश्मन की मदद लेके और लड़ाई जीतूं ये तो अधर्म होगा, ये धर्म नहीं होगा। 50 रुपए छोटू दादा हरनामपुर से और 201 रुपए रवि यादव बरेली से, भजन राधे राधे, चलो सुनाएंगे। लेकिन ध्यान करना उस समय कहा क्या, युधिष्ठिर के सामने कही कि तुम्हारी मदद लेके मैं लड़ाई जीतू ये अधर्म हो जाएगा, धर्म नहीं होगा। युधिष्ठिर बोले अरे दुष्ट का कही तेने धर्म, अरे दुर्योधन तू धर्म में जानते काय तो कहते हैं, जा धर्म शब्द को तेरी जबान पे आज मैंने सुना है, लेकिन भैया जी धर्म शब्द तेने बोला जरूर पर बहुत देर हो, क्या बोले दुष्ट, अरे आई तो याद धर्म की, आज अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो हो ध्यान रखना। दुर्योधन फिर भी क्या कह रहा है कि मैं अपने पक्ष का राजा हूं,
और तुम्हारे पक्ष में जो राजा बनना चाहता हो वो लड़ ले। दुष्ट ने की महाराज अब की ज्यादा बात बिगड़ गई। क्यों? कि जा पक्ष में राजा बनवो चाह तू मैं बढ़ाऊ और जा दुर्योधन ते मेरा कोई कबजाना है लड़वे को। भगवान कन्हैया ने चतुराई की, ऐसा करो थोड़ी देर के लिए अपने पक्ष में तो राजा बना दो भीमसेन ने। तो दुर्योधन का मुकुट उतार के ध्यान युधिष्ठिर का मुकुट उतार के भीम के सिर पर रख दिया। दुर्योधन पांडव पक्ष ते राजा भीमसेन है, पर ध्यान रखना बहुत चतुर था, मान की मान ली। पर ऐसा नियम भी तो है कि प्रजा राजा को शीश झुकाते हैं। अगर भीमसेन राजा हैं तो जे चारों भैया प्रणाम करें। युधिष्ठिर बोले कन्हैया ते प्रभु अब के मामलों गड़बड़ है, जे तीन तो पांच छू जाएंगे और मैं बढ़ाऊं और धर्म अवतारू, अगर मैंने पैर छू लिए तो भीम की काया में आग लग जाएगी, मैं धर्म अवतारू। भगवान कन्हैया ने कि जल्दी करो टाइम नहीं है। तब कही भीम से कि सुनो तुम दोनों पैर चौड़े करो और दोनों पैर चौड़े करके खड़े रहना और युधिष्ठिर कही कि तुम्हारा नंबर जब आवे तो बीच में लिखाई करियो, बीच में एक तीसरा कदम मेरा दिखाई देगा, बस उसी को सुनवा देना। तो भीम के पांच नकुल छुई गए, सहदेव छुई गए, अर्जुन छुई गए और जो कन्हैया को नंबर आओ से भगवान ने तीसरा माया का चरण अपना बना दिया। बाई चरण को युधिष्ठिर ने प्रणाम कर दिया, जो हटे तब कही अब तैयार हो। दुर्योधन ने की महाराज तैयार है तो तैयार है ना तैयार तो तैयार है, पर एक बात समझ में नहीं आई कन्हैया, जब भीम के तीन पाए कब तय गए, जो इशारा किया देखियो माया खेच ली दो पाए रह गए। अब भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, दोनों वीरों में ध्यान रखना जिस समय गदा का बार होता था पृथ्वी कांप गई थी शेष के फन पर, इतना भयंकर युद्ध था। और जब भीमसेन गदा का बार करते थे छाती पे तो लोहे जैसी आवाज आती छाती में थे क्योंकि वज्र का हो गया था, और दुर्योधन जब बार करता था तो सीना में तो खून की धारा आती भीम के। जब दोनों ही लड़ रहे थे वीर इतने बलराम अब लौटे तो बलराम खड़े आके देख रहे हैं कि जे दोनों चेला मैंने ही पढ़ाए हैं, ध्यान रखना दुर्योधन और भीम बलराम के चेला है दोनों। तो गुरु आज खड़े होकर के देख रहा है कि आज देखूंगा कि चेलन में कौन से ने काशी को है। और इतने कन्हैया अर्जुन कह रहे हैं कान में कि प्रभु आज वही लड़ाई में को जीते हो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन बल भीमसेन में जादे और बुद्धि दुर्योधन में जादे, तो ध्यान रखना बुद्धि के सामने बल हार सकता है। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु 18 दिन से जिता लाए हो तो ने कहा आज और कैसी लाज बचा दो, अब नहीं पार पर आई भैया बिल्कुल हार रहे हैं। भीम के घोटते कमरते छातीते सिरते खून की धार चल रही थी और दुर्योधन हंस रहा था। सो भगवान कन्हैया ने कही के अर्जुन भैया त्यारे भैया ने के भीमसेन मेमा चितैले तो कछ बताए दू मैं और आवाज देख कहूं तो अनित हो जाएगी। सोचे तुमने देखी होए तो ये पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं और एक मल्ल ने कमजोर पत्त का है तो वो दिखवाइय ना देखो तो कोई जय कह दे कुश्ती बराबर है छोड़ो। याद दोनों तरफ से गदा चल रही थी, श्रोता बंधु अब भीम की काया जब पस्त रही तो भीम ने नजर करी है कन्हैया और नजर यू कब करी कि कन्हैया ने कही दादा भीम भैया बहुत अच्छे लड़ रहे हो, इतनी तगड़ी कुश्ती तो मैंने आज तक ना देखी,